75 वर्ष पूरे होने पे भारत सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रीय पर्वों मनाया जा रहा है। इसी राष्ट्रीय पर्वों की श्रृंखला में अभी हम लोग 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित करने जा रहे हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान, जिसकी शुरुआत आज महावीर सरस्वती विद्या मंदिर परम गोपाल प्रांगण में माननीय मुख्य अतिथि स्थानीय विद्यालय के सचिव श्रीमान सूर्य ज्योति वर्मा जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा। अतः मैं माननीय महोदय से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम देश में करा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है, जिसमें संकल्प लिया गया है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हमारे लोग करेंगे, भारत के लोग करेंगे, भारत के विद्यार्थी करेंगे, भारत के अभिभावक करेंगे और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया है विद्या भारती और विद्या भारती के अंतर्गत 1 तारीख से 7 तारीख तक इस कार्यक्रम को मुक्त रूप देना है। मानव के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, माननीय समिति के सदस्यों के माध्यम से और पूर्व छात्रों के माध्यम से, तो इसके पूर्व संध्या पर कल से इस कार्यक्रम को होना है। आज विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय के युवा सचिव और काफी सक्रिय रहने वाले डॉक्टर सूर्य ज्योति वर्मा जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। हमें माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सूर्य ज्योति वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे इस कार्यक्रम के सम्मानित प्रधानाचार्य और आचार्य बंधु, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के भागीदार हम लोग हो रहे हैं, ये हम लोग सौभाग्य की बात है और हम लोग अपने तरफ से पूरी तल्लीनता से इस काम को करें, संख्या से इस कार्य को करें, तो इसलिए ये लक्ष्य रखा जाता है कि 15,000 कम से कम विद्यार्थी लोग करें और 1,500 कम से कम दशांश जो है आचार्य लोग भी करें।
1,500 आचार्यों के द्वारा किया जाएगा और 15,000 जो है विद्यार्थियों की किया जाएगा। और हम लोग तो बहुत छोटी इकाई है इस पूरे भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से इस योगदान को पूरा करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य नमस्कार से हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है, और इसको हम लोग आगे भी आदत डाल करके रखें, बच्चों में इस बात को प्रेरित करें कि इस अवधि के बाद भी सूर्य नमस्कार को जारी रखें और उसको उसका लाभ लें, उस अपने दिनचर्या में इसको अपना भागीदार बनाएं। कार्यक्रम प्रमुख अपने विद्यालय के शारीरिक आचार्य श्री राम कुमार सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार से संपादित करना है या आगे हमको किस प्रकार से इसको बनाएंगे, ये पूरा का पूरा सम्मानित मंच एवं उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी, जैसा कि अभी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान के तहत हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आज हम सभी ये संकल्प ले रहे हैं कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हम सभी भाग लेंगे। और माननीय मंत्री महोदय जी का भी उद्बोधन के क्रम में विषय आया कि बच्चों के द्वारा कम से कम 15,000 और आचार्यों के द्वारा 1,500 किया जाना चाहिए, तो मैं कार्यक्रम प्रमुख होने के नाते मैं मंत्री महोदय को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम सभी आपके दिए गए पाथे पे खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और अधिक ही करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में मुझे धन्यवाद ज्ञापन का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने मुझे इस योग समझा, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही व्यस्तम समय में माननीय मंत्री महोदय जी ने यहाँ उपस्थित होकर हम सबों को इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयु प्रज्ञा बलम् विर्यम्।